तो अभय दुबे, सबसे पहला सवाल तो यही कि कांग्रेस का रिवाइवल प्लान है ये, राजनीतिक रिवाइवल प्लान? गरिमा जी, कांग्रेस का राजनीतिक रिवाइवल प्लान नहीं है। ये भारत वर्ष की जो सनातन समय से चली आ रही सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक मान्यताएं हैं, उनको प्रतिस्थापित करने की यात्रा है। हमने पहले भी कहा था, सनातन समय में भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से महाभारत के पहले अंतिम प्रस्ताव दिया था। कहा था, दे दो मुझको 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका। जब नाश मनुज पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। तो यही काम भारतीय जनता पार्टी की अहंकारी और दम्भी सरकार ने किया। हमने जब भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ की थी 7 सितंबर से 31 जनवरी तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, तब भी आग्रह किया था कि प्रधानमंत्री जी, ये वैमनस्य की राजनीति देश से खत्म होना चाहिए। विभिन्न भाषा, भूषा, भेषज, धर्म, संस्कृति, संस्कारों का देश है, इसकी मान्यताओं को आहत मत करिए। भीषणतम बेरोजगारी की ओर युवाओं को धकेल दिया गया है, महंगाई की आग में झोंक दिया गया है। किसानों की आमदनी 27 रुपए और आपके धन्ना सेठ 1600 करोड़ रुपए रोज कमा रहे हैं। तो हमने फिर मानस बनाया कि एक बार फिर समूचे देश को हम आंदोलित करते हैं और सनातन समय से जो हमारी सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक मान्यताएं, उनको प्रतिस्थापित करें, उनको बहाल ठीक करें। अभय जी, तो लेकिन मैंने शुरुआत में कहा कि टाइमिंग हैज इंपॉर्टेंस इन पॉलिटिक्स। तो 30 जनवरी को वो यात्रा खत्म हो गई थी, तकरीबन 1 साल बाद अब जब लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, तो ये क्यों ना कहा जाए कि ये राजनीतिक रिवाइवल प्लान है कांग्रेस का? ये भारतीय जनता पार्टी को सोचने दीजिए, जो दिन रात सत्ता की भूख में मरे जाते हैं। राहुल गांधी जी उस दायरे से ऊपर आ गए हैं, इसलिए 14 जनवरी से 20 मार्च तक हमने ये यात्रा प्रारंभ की है। और ये आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय की यात्रा। जब हम आर्थिक न्याय की बात करते हैं तो हम आम अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों की गिरती हुई आमदनी की बात करते हैं, और जो 27 लोगों ने 54 लाख करोड़ रुपए कमा लिए। पिछली डिबेट में भी हमारे जेडीयू के प्रवक्ता ने ये बात कही थी कि 5% लोगों को, राजीव रंजन जी ने, 5% लोगों के पास 60% भारत के संसाधन चले गए, और 10 लोग सिर्फ ऐसे हैं जिनके पास 27 लाख करोड़ रुपए पहुंचने। तो सत्ता से कोई लेना देना अगर अभय दुबे नहीं है, मैं क्योंकि जिस बात को समझना चाह रही हूँ वो थोड़ी मुख्तलिफ है। सत्ता से अगर लेना देना नहीं है तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस बड़े जोर शोर से ये प्रचारित करती नजर आई कि हमने कर्नाटक जीत लिया, हमने हिमाचल जीत लिया, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का इंपैक्ट देखने को मिला। गरिमा जी, दृष्टिकोण का अंतर है। हमारे लिए सत्ता जो है वो सेवा का सरोकार है, हमारे लिए सत्ता जो है संसाधनों की लूट और अधिकारों की भूख नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए स्वाभाविक है। अगर सरकार होगी तभी तो हम सब न्याय कर पाएंगे। तो जितने हम इंडिया गठबंधन के दल के लोग हैं वो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, आर्थिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, सभी लड़ रहे हैं हम लोग। उसी का एक हिस्सा ये भी है जो कांग्रेस पार्टी ने अपना दायित्व लिया है। मणिपुर से क्यों प्रारंभ कर रहे हैं? आपने देखा पूरे देश ने कि मणिपुर में 4000 ऑटोमेटिक वेपन्स लूटे गए। हमने देखा कि वहां तिल तिल कर, तड़प तड़प कर, नग्न अवस्था में हमारी बहन बेटियों को घुमाया गया। सत्ता मौन साधे बैठी थी। राज्य मंत्री, जो देश के केंद्रीय राज्य मंत्री, वो कह रहे थे प्रधानमंत्री जी मेरा घर जला दिया। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने आकर कहा कि ये राज्य प्रायोजित हिंसा, लेकिन दम साधे और होट सीए हमारे प्रधानमंत्री बैठे रहे। तो हम मणिपुर से चाहते हैं कि न्याय की शुरुआत हम वहां से करें, वहां से लेकर हम जब 14 है तो। लेकिन 2024 का प्लान ना अभय दुबे, अगर 2024 का प्लान नहीं होता तो 1 साल गुजारा, 3-4 महीने और गुजारते, 2024 के बाद शुरू करते। 6000 किलोमीटर की यात्रा छोटे उद्देश्यों के लिए नहीं है, छोटी योजना नहीं है। 2024 छोटा उद्देश्य है आपके लिए? भारत वर्ष को हम पुनर्जागरण का एक अभियान चला रहे हैं। हम चाहते हैं कि देश के नागरिक जो असली स्वरूप है सत्ता का, सार्वजनिक जीवन का, उसको हम रेखांकित कर पाए। महात्मा गांधी जी कहते थे एकांत की नैतिकता, जब आपकी किसी पर निगाह नहीं और आप नैतिक मूल्यों का पालन करते हो, वो रखी। हमने देखा कैसे देश की बेटियां जो गोल्ड मेडलिस्ट है वो सड़कों पर घसीटी गई, किसानों के राह में कील और कांटे बिछाए, 700 किसानों ने आत्महत्या कर ली। उनके खिलाफ काले और क्रूर कानून प्रधानमंत्री जी लेकर आए, भूमि का हड़पने से लेके तो कृषि के कानूनों तक देश ने देखा।
हमने देखा कैसे अध्यादेश का राज स्थापित कर दिया मनमानियों के लिए, नहीं, संस्थाओं का अभय दमन दुबे, करके आप सारी कह रहे हैं कि संवैधानिक संस्था। 2024 छोटी लड़ाई जी है आपके लिए। देखिए, जो बड़ा उद्देश्य होता है तो लड़ाई का मायना नहीं। हमने कहा कि हम जीतेंगे पूरे आत्मविश्वास के साथ 24 का चुनाव, हम सब गठबंधन के दल के लोग मिलकर लड़ रहे हैं, और इसमें बिल्कुल अतिरेक नहीं है। जो राजनीतिक परिस्थितियां निर्मित हो रही है, जो कोलिशन हमारा जो गठबंधन के साथी हैं, वो चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे वो बिहार में हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल में हो, आप देखिएगा बहुत चौंकाने वाले परिणाम आएंगे, और ये न्याय करेंगे राजा राम, मर्यादा मध्य प्रदेश पुरुषोत्तम और राम। राजस्थान, छत्तीसगढ़ से सबक लिया कांग्रेस ने कि गठबंधन के अलाइज को पीछे छोड़ दिया, तो अब गठबंधन के तमाम अलाइज याद आ रहे हैं क्या कांग्रेस को? नहीं देखिए, समन्वय तो तब भी वैसा ही होगा जिस राज्य में जिसकी शक्ति जितनी है उतने अधिकार संपन्न उस दल को करेंगे और उनके साथ लड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये बात हमने उस इन तीन तीनों चुनाव के परिणामों से ऐसा नहीं कि कोई बहुत फर्क पड़ता, मैंने कहा पहले भी 2003 में भी आ रहे थे, लेकिन 2004 का चुनाव हम जीत गए सब लोग मिलकर, 335 सीटें थी हमारे पास, प्रचंड बहुमत था, तो वो परिस्थितियां पुनः निर्मित होगी, याद रखिएगा आप इस बात को। दंभ, अहंकारी और मनमानी सत्ता का पराभव प्रारंभ होगा और उसमें निर्णायक भूमिका निभाएगी स्वाभाविक रूप से ये भारत न्याय यात्रा। निर्णायक भूमिका, तो ऐसे में